नमस्कार, आप देख रहे हैं इंडियन ब्रांड न्यूज और मैं आपके साथ विजय यादव। तो चलते इस वक्त की बड़ी खबर की ओर। 72वें गणतंत्र दिवस आज स्पोर्ट स्टेडियम डोडा में बड़े उत्साह और राष्ट्रीय भावना के साथ मनाया गया, जिससे मुख्य अतिथि उपायुक्त डोडा डॉक्टर सागर डी डोईफोड ने तिरंगा फहराया और जेकेपी सीआरपीएफ एसएसबी के प्रतियोगियों से सम्मान गार्ड का निरीक्षण किया गया। वरिष्ठ पुलिस अधीक्षक एसएसपी डोडा मुमताज अहमद, एडीडीसी डोडा सूरज सिंह, एडीसी डोडा किशोरी लाल शर्मा, कमांडेंट आईआरपी 5th BN एसपी ऑपरेशन राजकुमार, एएसपी डोडा मास्टर पॉपी अध्यक्ष, एमसी डोडा वेद प्रकाश गुप्ता, डीडीसी सदस्य, डीएफओ डोडा, एसीआर डोडा, पीओ, आईसीडीएस, जीएम, डीआईसी के अलावा सिविल और पुलिस विभाग के अन्य वरिष्ठ अधिकारियों के अलावा एमसी डोडा के सदस्य, प्रमुख नागरिक, सामाजिक कार्यकर्ता, राजनीतिक कार्यकर्ता और पुरुषों, महिलाओं और बच्चों की संख्या उपस्थित थी। पूरे कार्यक्रम को मास्टर ऑफ फंक्शन मास्टर ओम प्रकाश और आईसी कल्चरल सेल डोडा नसीम उल हक बैठ द्वार समन्वित लंगर दिया गया। इस अवसर पर उपायुक्त डोडा डॉक्टर सागर डी डोईफोड ने गणतंत्र दिवस के महत्व पर प्रकाश डाला और कहा कि ये भारत के इतिहास में सबसे महत्वपूर्ण दिन है, क्योंकि इस दिन 1950 में हमारे देश ने दुनिया के सबसे बड़े लिखित संविधान को अपनाया था। देश में लोकतांत्रिक प्रक्रिया को सुशासन की नींव आज ही के दिन रखी गई थी। उन्होंने आगे राष्ट्रीय एकता, सांप्रदायिक सद्भाव और शांति को बढ़ावा देने के लिए जोर दिया। अपने भाषण के दौरान उन्होंने जिले में कई विकास परियोजनाओं और कार्यों को गिनाया। इसके अलावा डोडा के लोगों और डीडीसी चुनाव के सफल आयोजन में उनके असाधारण सहयोग के लिए बधाई दी। उन्होंने कहा कि पीडब्ल्यूडी आरएंडबी सेक्टर में 2020-2021 165 की संख्या में योजनाएं शुरू की गई हैं, जिसमें 137 सड़कें और 28 पुल शामिल हैं, जिनमें से 45 सड़कों और पुलों की योजनाएं अब तक पूरी हो चुकी हैं और 45 ऐसी योजनाएं हैं जिसे मार्च 2021 तक पूरा होने की उम्मीद है। इसके अलावा विभाग द्वारा 712.4 किलोमीटर सड़कों की लंबाई भी हासिल की गई है। पीडब्ल्यूडी आरएंडबी के तहत डोडा के लोगों की लंबे समय से लंबित मांग पुल डोडा बेओली के चौड़ीकरण की मेगा परियोजना शुरू करने की थी, जो चल रही है और प्राथमिकता के आधार पर आगामी दिनों में पूरी की जाएगी। आगे उन्होंने आम जनता को ये भी बताया कि गोहा सुदमदेव खेलनी सुरंग की बड़ी परियोजना बहुत जल्द 2 चरणों में शुरू होनी जा रही है, जिसमें सुरंग और 25 किलोमीटर सड़क शामिल है। इंडियन प्राइम न्यूज से संवाददाता सुहेब रंगरेज की रिपोर्ट।